बिग बॉस सीजन 18 के घर में हो रहे विवेन डी सेना के साथ नाइंसाफी पर फाइनली टेलीविजन के इस पॉपुलर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी। बिग बॉस सीजन 18 पर किया रिएक्ट, बिग बॉस के टॉप 3 बता दिए अपने फाइनलिस्ट। तो इस वीडियो के साथ आप भी बनी रहिए अंत तक। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 के घर में खेल रोमांचक होता जा रहा है, एक के बाद एक ट्विस्ट और बहुत ही ज्यादा मजेदार होती जा रही है। रिश्तों में दरार और नए रिश्ते बन रहे हैं, बिखर रहे हैं। लेकिन इस समय बिग बॉस के घर में आखिर अर्जुन बिजलानी ने कैसे किया है सपोर्ट? अर्जुन ने बता दिए हैं अपने टॉप 3। आखिर क्यों फूटा विवेन और करणवीर के लिए अविनाश और ईशा पर गुस्सा? चाहत पांडे को किया बार बार बिग बॉस ने नेगलेक्ट, करणवीर को लेकर बोली बड़ी बात। अर्जुन बिजलानी ने दिया विवेन डी सेना को बड़ा इंसाफ। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 के घर में इस समय समीकरण बदल चुका है, पूरी टेबल चेंज हो चुकी है। जो टेबल अब तक विवेन सेना के साथ थी, जो दोस्त अब तक विवेन के साथ थे, वो आज विवेन के खिलाफ खड़े हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह की। पहले तो विवेन को नॉमिनेट किया और अब विवेन को सेफ करने से भी मना कर दिया है। इसके बाद अब करणवीर ने भी कई सारे इल्जाम लगाए कि अब घर में समीकरण बदल चुका है और ऑडियंस को, जनता को यह बातें समझ भी आ रही है कि जी हां, बिग बॉस के घर में अब खेल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। टेलीविजन के पॉपुलर एक्टर अर्जुन बिजलानी, जो कि बिग बॉस सीजन 18 को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने दिया है अपना शॉकिंग रिएक्शन। अर्जुन ने कहा कि ये सीजन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जा रहा है, लेकिन हाँ, मैं एंजॉय कर रहा हूं बिग बॉस सीजन 18 को। बिग बॉस के घर में रहना और यहां पर रिश्ते निभाने, दोस्ती बनानी इतनी आसान नहीं होती है जितना हम समझते हैं, जितना हम बाहर से देखते हैं। ये गेम उससे ज्यादा बड़ा है, उससे ज्यादा डीप है। अर्जुन बिजलानी ने कहा कि यहां पर मुझे लगता है कि विवेन का कोई भी सच्चा और अच्छा दोस्त नहीं है। जहां से मैं देख रहा हूं, विवेन डिसेना ने अपनी लॉयल्टी निभाई है, अपनी दोस्ती सच्ची और ईमानदारी से निभाई है। एक बार नहीं, कई बार अविनाश को बचाया, ईशा को बचाया, लेकिन मुझे लगता है कि ईशा और अविनाश एहसान फरामोश हैं। अभी उन्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि अविनाश मिश्रा जो है वो नाराज हुआ है, हर्ट हुआ है, कंप्लीटली हर्ट हुआ है फराह खान के वीकेंड के वार पे। वीकेंड के वार पे फराह खान आई थी, जिसके बाद फराह ने करणवीर की तारीफ की है, विवेन की तारीफ की, लेकिन अविनाश और ईशा को एविल बताया। जब इसे पूरा गेम चेंज हुआ है और ये जेलस है, ये जलनपन है, जो दिखाता है कि विवेन डी सेना कितने ज्यादा आगे हैं। और ये बातें अविनाश को भी पता है, ईशा सिंह को भी पता है कि इस घर में करणवीर वर्सेस विवेन हो रहा है, इसलिए अब सारे समीकरण बदलना चाहता है अविनाश मिश्रा। लेकिन मुझे लगता है कि विवेन डी सेना जनता की नजर में सुपीरियर दिखेंगे, क्योंकि विवेन ने अपनी लॉयल्टी साबित की है, विवेन ने दोस्ती की है तो निभाया है। आज भी विवेन उन लोग के साथ खड़ा है, ये जानते हुए कि वही लोग, वही दोस्त उसे धोखा दे रहे हैं। और इसमें गलत कौन दिख रहा है? इसमें साफ तौर पे गलत अविनाश और ईशा सिंह नजर आ रही हैं, क्योंकि भले ही ये लोग नॉमिनेट कर दे विवेन को, लेकिन मुझे लगता है कि जनता का लाडला है विवेन, और विवेन को इस समय मेरा पूरी तरीके से सपोर्ट है। करणवीर मेहरा को लेकर अर्जुन बिजलानी ने कहा कि करण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बिग बॉस में जाने से पहले भी करण से मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे लगा कि 6 वीक से पहले तो करण निकल जाएगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरा भाई ट्रॉफी लेकर आएगा। और वाकई में करणवीर मेहरा का गेम इस समय सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, एंड आई लव हिम। और जिस तरीके से वो गेम खेल रहा है, मैं पूरी तरह से करण के गेम से सेटिस्फाई हूँ, खुश हूँ। करणवीर मेहरा वर्सेस ऑल हो रहा है पूरे घर में। आज वो लोग जो लोग करण को तोड़ने का सपना देख रहे थे, जो लोग करण को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि करणवीर मेहरा को मुझे मौका मिला तो मैं बिग बॉस के घर के अंदर जाकर एक बड़ी सलाह देना चाहूंगा कि जितना हो सकता है वो अपने दिमाग को यूज करे, वो एक बार को चुम की सलाह मान ले, लेकिन शिल्पा की सलाह कभी नहीं। वो शिल्पा शिरोडकर, जिसे एक बार नहीं कई बार ठोकर लगा है, और अब शिल्पा जी की भी आंखें खुल चुकी है। मुझे लगता है कि शिल्पा ने जो गलत किया है करण के साथ, उसका कर्मा अब शिल्पा को मिल रहा है, विवेन को भी मिल रहा है, क्योंकि विवेन ने भी अविनाश और ईशा की बातों में आकर कई बार करणवीर मेहरा को टारगेट किया था। तो अब करण को लगातार बिग बॉस भी जस्टिस दे रहे हैं, जनता भी जस्टिस दे रही है, और कर्मा भी हिट कर रहा है। करणवीर मेहरा के बाद चाहत पांडे को नेगलेक्ट किए जाने पर अर्जुन बिजलानी ने कहा कि मुझे लगता है कि चाहत को बार बार अंडररेट किया जा रहा है, चाहत के कई सारे सीन्स काट दिए जाते हैं, और ये किया जा रहा है मेकर्स को अपनी लाडली ईशा सिंह को, मुझे लगता है कि सुपीरियर दिखाना है, ईशा सिंह को टॉप 5 में लेकर जाना है, जिसके चलते वो इस तरीके से गेम कर रहे हैं। मेकर्स किसी के भी सीन काट सकते हैं, बिग बॉस का गेम बहुत बड़ा है, और इससे भी बड़ा है बिग बॉस के एडिटर, बिग बॉस की क्रिएटिव टीम, और क्रिएटिव टीम कैसे दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं समझता हूं कि चाहत को इस वीकेंड के बाद पे सलमान सर जरूर जस्टिस दिलाएंगे,
जाएंगे और चाहत को जस्टिस मिलना चाहिए। चाहत जो है वो बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस होने के साथ साथ उनका गेम भी मुझे बहुत स्ट्रांग लगा है। आज तक वो लड़की इंडिपेंडेंट गेम खेल के जहां दो ग्रुप बने हुए हैं करणवीर के विवेन के, उस ग्रुप को भी ना ज्वाइन करके आज भी वो सर्वाइव कर रही है। तो मुझे लगता है कि चाहत में वो दम खम है कि वो फिनाले में जरूर जानी चाहिए। बिग बॉस के घर में टॉप 5 कंटेस्टेंट बताए हैं फाइनली। अर्जुन बिजलानी ने टॉप 5 कंटेस्टेंट में कहा कि चाहत पांडे 5th पोजीशन पर है मेरे लिए। 4th पोजीशन पर मैं रखूंगा अविनाश मिश्रा को, क्योंकि अविनाश का गेम भले ही चिटिंग बाजी का हो लेकिन अविनाश टॉप 5 में मुझे लगता है कि डिजर्व करता है। 3rd पोजीशन पर रहेंगे मेरे हिसाब से करणवीर मेहरा, और मैं चाहूंगा कि करणवीर मेहरा को 3rd पोजीशन नहीं उसे 2nd पोजीशन मिले, और मैं चाहूंगा कि अगर वो जीतता है ये शो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और यहां पर मैं 2nd पोजीशन देना चाहूंगा विवेन डिसेना को, और 1st पोजीशन पर मैं रखता हूं इस समय चुम तरंग को। चुम तरंग का भी गेम मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। अर्जुन बिजलानी ने बता दिए हैं अपने ये टॉप 5 कंटेस्टेंट जो जाएंगे फाइनल में बिग बॉस सीजन 18 के। वेल आप बताना कमेंट बॉक्स में अर्जुन के इस शॉकिंग रिएक्शन पर आपका क्या है ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।